दोस्तों मेरे चैनल पे व्यूज क्यों नहीं आते, मेरे वीडियो पे व्यूज क्यों नहीं आते, यही सब रीज़न आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि मेरे चैनल पे व्यूज क्यों नहीं आते और जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसको ज़्यादा लोग वॉच क्यों नहीं करते, क्या रीज़न है। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीटली बताऊँगा कि मेरे वीडियो को लोग देखना क्यों पसंद नहीं करते हैं और आखिरी मेरे चैनल पर इतना सब्सक्राइब है फिर भी 100-200 भी लोग नहीं देख रहे, इसका क्या रीज़न है। तो दोस्तों आपको बता दें कि मेरे चैनल पे पहले आप लोग तो जानते हैं कि इस पर सॉन्ग यानी डांस वीडियो और कॉमेडी फ़नी वीडियो में डालता था इस चैनल पे। तो एक्चुअली जो मेरे ऑडियंस है उनको क्या पसंद है, उनको डांस कॉमेडी सॉन्ग सुनना पसंद है, मेरे जो ऑडियंस है मेरे सब्सक्राइबर हैं, इसलिए वो जो मैं इस समय वीडियो डाल रहा हूँ ये टेक्निकल के बारे में उनको उतना जानकारी नहीं रहता और इस चीज़ के बारे में वो लोग बिल्कुल जानते नहीं हैं, इसलिए वो वीडियो को प्ले नहीं करते क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि ये क्या है और किस लिए बनाया है, इस वीडियो का क्या मकसद है, वो लोग को नहीं पता रहता है। और एक्चुअली जो पहले मैं डालता था वो लोग देखते थे इससे फ़नी वीडियो, कॉमेडी वीडियो, आजकल डांस वीडियो और जो सॉन्ग रिलीज होता है उसको लोग सुनना पसंद करते हैं। तो इस चैनल पर जो मेरे सब्सक्राइब है इस समय 1800-1900 जो सब्सक्राइब हैं, मतलब वो जितने लोग हैं उनको डांस वीडियो और फ़नी वीडियो देखना पसंद है और जो टेक का मतलब जो ऑडियंस मेरे हैं उतना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 होंगे अगर टेक का तो उतना लोग को पसंद होगा। तो फिलहाल जो लोग अभी प्ले करते जिसमें सजेशन जाता हो तो फटाक से देख ले होंगे, बट जो लोग अभी ओपन नहीं करते होंगे या देख नहीं रहेंगे उनको पता ही नहीं रहता कि मतलब इस वीडियो का क्या मकसद है और इसको क्यों बनाया गया है। तो यही सब रीज़न है कि मतलब जो मेरे ऑडियंस है वो टेक का ऑडियंस नहीं है, मतलब फनी का या डांस वीडियो का ऑडियंस है, क्योंकि मैं इससे पहले कुछ दिन पहले मैं 2-3 महीना पहले 4 इस पर डांस वीडियो और फनी वीडियो बनाता था इस चैनल पे, तो वो जो ऑडियंस है उनको वो सब पसंद है। अभी आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल पे अगर मैं डांस वीडियो डालूं या कॉमेडी वीडियो डालूं तो अभी वो लोग एकदम जल्दी देखेंगे जैसे ही प्ले करेंगे और इससे अच्छी खासी व्यूज भी आएंगे, क्योंकि मैं उस कैटेगरी को अब चेंज कर दिया हूँ। तो मैं इस पर अब शुरू से मतलब जो मेरे ऑडियंस है अब मैं मतलब टेक का ऑडियंस मैं बनाना चाहता हूँ इस चैनल पर, इसके लिए वो सब मैंने छोड़ दिया बनाना यूट्यूब पे, क्योंकि उस पर उतना समय नहीं रहता ना बनाने के लिए, डांस वीडियो बनाने के लिए अच्छा से आपको अच्छी से अच्छी जगह चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए अच्छा और 2-3 लोग साथ में चाहिए रिकॉर्डिंग करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, बट इसमें मतलब ज़्यादा कुछ करना पड़ता है। और इसमें क्या रहता है, सिंगल ही आप सब कुछ कर सकते हैं एकदम अपने काम के साथ, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के भी पार्ट टाइम इसको भी कर सकते हैं, और यदि आप जॉब भी करते हैं या कुछ भी घर का काम कुछ भी करते हैं तो आप इसको पार्ट टाइम खुद अकेले ही कर सकते हैं इससे, ये जो मैं अभी इस समय कर रहा हूँ टेक का जो वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें उतना खास आप लोगों को नहीं है, बस इतना है कि इसमें एडिटिंग और थंबनेल डिस्क्रिप्शन ये सब आप तो कर सकते हैं, कभी भी थंबनेल बना के ऑलरेडी रख सकते हैं, बट वीडियो बनाने में उसको डांस वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है ज़्यादा, और उसको अच्छी से अच्छी जगह भी चाहिए, तो उतना करने के लिए आपको भरपूर टाइम होना चाहिए। तो यही सब रीज़न थी मेरे चैनल पे व्यूज नहीं आने की। तो आप लोग के लिए अब रेगुलर आपको टेक वीडियो से रिलेटेड वीडियो आप लोग को बना के इस चैनल पर मिलता रहेगा। अगर आप टेक वीडियो को जानना चाहते हैं मतलब उससे कोई भी नॉलेज या कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे अबाउट फ़ोन में मेरा फ़ोन नंबर आप लोग को मिल जाएगा,